कांग्रेस ने अमेरिका से खरीदे जा रहे प्रेडेटर ड्रोन की कीमत को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने यह भी पूछा है कि वायुसेना ने सिर्फ 18 ड्रोन मांगे थे, फिर 31 ड्रोन क्यों खरीदे जा रहे हैं। कांग्रेस ने अमेरिका से खरीदे जा रहे ड्रोन को लेकर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि भारत ये ड्रोन बाकी देश के मुकाबले महंगा खरीद रहा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि डील से पहले सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं बुलाई और करार कर लिया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार 25,000 करोड़ में महज 31 ड्रोन खरीद रही है। जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि जिस तरह से राफेल डील पर आरोप लगाए गए थे उसी तरह कांग्रेस फिर बेबुनियाद बात कर रही है। हर बात पे उनको प्रधानमंत्री का विरोध करना है, देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा को लेकर विरोध करना है या बाहरी सुरक्षा को लेकर विरोध करना है। देश की फोर्सेस, नेवी, आर्मी, वो लगातार वो मांगती थी और उन्होंने, भारत सरकार ने फैसला किया, उसके भी जानकारियां आ जाएंगी सबके सब। परंतु जैसे पहले रफाल के मामले में इनको थूक कर चाटना पड़ा था, इनको जाकर माफी मांगनी पड़ी, वैसे इसमें भी माफी मांगेंगे। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि सरकार ने जब DRDO को ड्रोन के लिए 1,786 करोड़ दिए, फिर अमेरिका से 25,000 करोड़ के ड्रोन खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी।